राज्यपाल महोदय को अनावश्यक तौर से जो राज्यपाल महोदय कई बार पढ़ना चाहते थे उनको पढ़ने नहीं दिया गया, कोई मुद्दा नहीं था। और मैंने देखा उस दिन कि एक खाली कैलाश मेघवाड़ी जो माने सदस्य हो और एक सतीश पुनियारी जो इनके अध्यक्ष थे वो अकेले खड़े रहे और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबको गुमराह करके यहाँ लाए बैल के अंदर और यहाँ पर उनके अभिभाषण को बोलने नहीं दिया गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ, बहुत निंदा करता हूँ। उसका कारण है, अध्यक्ष महोदय का कारण भी है, 4 साल की उपलब्धि हमारी जो है वो देश राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गई है। 4 साल की उपलब्धि, अभी माननीय नेता प्रदेश बोल रहे थे, मुझे बहुत दुख है कि वैसे तो उनका पूरा ही भाषण भावनाओं से भरा हुआ झूठ का पुलिंदा था, कोई दम नहीं था। मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने खुद ने कहा, मैं आपके हर पॉइंट को मैं चाहूंगा, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष है, आपका सम्मान है डेमोक्रेसी के अंदर, आपके एक एक बिंदु का मैं असेंबली समाप्त होते ही एक एक बिंदु का मैं जवाब बना करके आपको भेजूंगा और उसकी कॉपी तमाम सदस्यों को भेजूंगा, प्रतिपक्ष और नेताओं को। तब आप पूरी तरह एक्सपर्ट होंगे। खाली भावनाओं में बैठ करके ताली बजवाना एक बात है, भावना में बैठ के ताली बजवाना एक बात है, आपके आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं। तमाम जाति धर्म वर्गों को साथ लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता है। हमारा मुद्दा ये है, हमारी पार्टी का, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो अभियान क्या है, ये तो है कि देश में शांति भाईचारा प्यार मोहब्बत रहे, ये तो हमारी सोच है। हमारी सोच है देश में बंटवारा की तरह की भावना नहीं बने, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन सब एक रहे। मुझे इसका जवाब देंगे नेता प्रतिपक्ष, एक भी मेंबर मुस्लिम ना लोकसभा के अंदर है बीजेपी का, ना राज्यसभा के अंदर है, ना यूपी के अंदर है। किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप लोग, किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? आपकी डेमोक्रेसी सोच है एक धर्म, इतना बड़ा धर्म 20% अवधि जिसकी हो, आपकी पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में ना यूपी के अंदर, ना ने दिया राज्यसभा के अंदर। किस मुंह से बात करते हैं, हम सबके साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं। इसकी बनेगी सरकार की, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सबके लिए बनती है, सबके लिए बनती है। आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी तो आपके भी चुनाव आ रहे हैं, आप सबको अपने नंबर बढ़ा रहे हैं हाईकमान के सामने, आप पिछले 2 साल के हो चुके हैं और 75 के बाद में आपकी पार्टी सोचते है कि वो शिफ्ट कर देती है। तो आपकी आज जो मैं भाषण सुन रहा था, मुझे लगा कि आप मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो, कोई दम नहीं आपके भाषण के अंदर। किस रूप में बोल रहे थे, किस रूप में बोल रहे थे? आप बात करते हो आयुष्मान भारत की बात करते हो, आपको मालूम है कैप लगी हुई इसके अंदर, आपको मालूम है खाली 19% लोगों को राजस्थान के अंदर उसकी हम स्कीम लेके आए, अगर या आपकी भामाशाह योजना थी, ताली बजवा दी आपने, हिंदुस्तान में सबसे पहला काम हमने किया, क्या किया? 19% लोगों को दे रहे थे बीमा खाली, 19% लोगों को दे रहे थे। आपको मालूम आयुष्मान भामाशाह के अंदर और इसमें चीनी योजनाओं का कितना बड़ा फर्क है? 90% कवरेज किया राजस्थान के अंदर योजना ने, हिंदुस्तान पर चर्चा हो रही है, राजस्थान की हिंदुस्तान पर चर्चा हो रही है, हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है, चाहे वो चीनी योजना हो, चाहे ओपीएस हो, उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, शहरी खाद्यान्न इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, कितनी योजना में गिनूं आपको, आज कितना लोगों को रिलीफ मिला है, राजस्थान गवाह उस बात का। आप हर हर स्कीम की उसका आप बिना समझे हुए कि कितना 19% किसे कहते हैं, उसमें कैप है, इंश्योरेंस कंपनी को 1065 रुपये देने का कैप है उसके अंदर भी, हम दे रहे हैं 1700 रुपये दे रहे प्रति व्यक्ति दे रहे हैं,
प्रीमियम दे रहे हैं, किसकी बात आप करते हो? आप कंपेयर करना चाहते हो तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप इतना आपने खूब देख लिया, चार साल निकाल दिया आपने, क्या निभाई उपयोगी भूमिका आपने? जन आक्रोश रैली निकाली आपने, मैं पूछना चाहूंगा आपको, जन आक्रोश योजना निकाली, यात्रा निकाली, कहीं आपको जन दिखा? कहीं आपको आक्रोश दिखा? दिखा नहीं आपको? आपकी धज्जियां उड़ गई, आपकी धज्जियां उड़ गई ना। अच्छा बैठो प्लीज ना, बोलेंगे ना, ना जनता ना आक्रोश था, ना जनता ना आक्रोश था। पूछ रहे थे आक्रोश किस बात का है, ये तो बताओ, हम तो संतुष्ट हैं। एक के बाद एक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शानदार पानी की योजना है, बिजली की योजना बन रही है, सड़कें शानदार बन रही है, घर के पेंशन मिल रही, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को। सोशल सिक्योरिटी हमारी थीम के अंदर है, आप बात कर रहे हो। किसान खुश है, अलग बजट पेश किया उनके लिए, अलग बजट पेश किया, कितने राज्यों ने किया देश के अंदर, डबल कर दिया हमने उनका एलोकेशन, डबल कर दिया। आप कह रहे थे अभी 833 रुपये दिए वसुंधरा जी ने, आप बड़े गिना रहे थे, अरे 833 रुपये दिए क्या? कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 4 दिन पहले, बैक डेट के अंदर, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था 4 दिन पहले, पेट लगा करके बैक डेट के अंदर 833 रुपये घोषणा कर दी, बिना बजट के कर दी गई। हमारी सरकार आई, बकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये दिए प्रति किसान, आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है।